इधर लटेरी के सीएम राइज स्कूल में बसों को हरी झंडी दिखाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में एसडीएम अनुभा जैन, नगर परिषद अध्यक्ष शैलेश अत्तु भंडारी शामिल हुए। इस दौरान ठेकेदार के कर्मचारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में चर्चा करते समय बहस हो गई, जिससे नाराज होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं नगर परिषद अध्यक्ष कार्यक्रम छोड़कर चले गए। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम की तैयारी को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के दौरान बसों पर सीएम और शिक्षा मंत्री समेत विधायक के फ्लैक्स लगाए जाने की मांग की थी। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बसें लगाई जानी है, लेकिन यहाँ की जो अधिकृत इनकी एजेंसी है वो ना जो उनके वाहन चालक हैं उनका लाइसेंस बता पा रहे हैं, ना उनका परमिशन बता पा रहे हैं, ना बस में किसी प्रकार की वो सुविधाएं बताई जा रही हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होना है माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के जो मुखिया हैं, ये विधायक का एक बैनर पोस्टर तक वहाँ पर नहीं है, और इसके बाद ठेकेदार जो इसका संचालन करने वाले हैं वो कोई जानकारी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। तो बहिष्कार करने से मतलब नहीं, हमारा मतलब ये जब उनकी तैयारी पूरी पुख्ता हो जाए उसके बाद दो चार दिन बाद दोबारा वो इसको कर रहे हैं, बस केवल ये हमारी नाराजगी है यहाँ पे, और इसमें हम संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे भी बात करें।